The bone we are going to demonstrate in this video is clavicle. Clavicle bone को demonstrate करने के लिए हम लोग इस पूरे video को कुछ parts में divide करेंगे जिसमें सबसे पहले हम लोग इसको इसका introduction discuss करेंगे फिर इसको anatomical position और side determination इसका discuss करेंगे फिर इसके कुछ peculiarities के बारे में discuss करेंगे फिर इसके कुछ attachments के बारे में discuss करेंगे, करेंगे and finally इसके applied को देखेंगे So firstly हम लोग start करते हैं introduction on clavicle. सो so, जो क्लेवाइकल होता है वो क्लेवाइकल एक लॉन्ग बोन होता है जो कि हॉरिजेंटली प्लेस्ड होता है इसे लॉन्ग बोन इसलिए कहा गया क्योंकि इसके दो एंड्स होते हैं और एक शाफ्ट होता है तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू एंड्स एंड अ शाफ्ट इट इज अ लॉन्ग बोन विच इज़ प्लेस्ड हॉरिजेंटली ये एक लॉन्ग बोन होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ पेक्टोरल गर्डल पेक्टोरल गर्डल दो बोन से मिलकर के बनता है क्लेवाइकल और स्केपुला so, सो क्लेवाइकल इज अ पार्ट ऑफ अ पेक्टोरल गर्डल यह क्लेवाइकल जो होता है वो एक्जियल स्केलेटन को अपेंडिकुलर अपर अपेंडिकुलर स्केलेटन से कनेक्ट करने का काम करता है और ट्रांसमिट करता है वेट ऑफ द अपर लिम टू तो द स्टर्नम सो so, इसका मेन फंक्शन होता है टू तो ट्रांसमिट द वेट ऑफ अपर लिम टू द स्टर्नम इट इज द फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई ऑसिफिकेशन करने वाला ये फर्स्ट बोन होता है और इसका मेमरीनस ऑसिफिकेशन होता है दिस ज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लेवाइकल अब हम लोग इस क्लेवाइकल को एनाटोमिकल पोजिशन में पकड़ने का कोशिश करेंगे और साइड डिटर्मिनेशन हम लोग इसका देखेंगे क्लेवाइकल को एनाटॉमिकल पोजिशन में पकड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग के उसके मीडियल और लेटरल एंड को पहचानना पड़ेगा इसका जो मीडियल एंड होता है वो राउंडेड और क्वाड्रीलेटरल होता है और जो लेटरल एंड होता है वो फ्लैट एंड होता है सुपीरो इन्फीरियरली सो जो भी ये जैसे कि राउंडेड और क्वाड्रीलेटरल एंड है तो इस वजह से ये मीडियल एंड होगा और जो भी फ्लैट एंड एंड है दिस इज द फ्लैट एंड एंड और ये फ्लैट एंड एंड है तो ये लेटरली प्रेजेंट होगा सो मीडियल एंड जिसको हम लोग बाद में स्टर्नल एंड भी कहेंगे वो राउंडेड या फिर स्लाइटली क्वाड्रीलेटरल होगा और जो एक्रोमियल एंड या फिर लेटरल एंड होगा वो फ्लैट एंड होगा सुपीरो इन्फीरियरली फिर हम लोग बात करेंगे कि जो शाफ्ट होगा इसका इसका जो शाफ्ट होगा बीच का ये शाफ्ट जो होगा वो कनकेवो कन्वेक्स होगा दैट इज मीडियल टू थर्ड जो होगा वो कन्वेक्स होगा फॉरवर्ड और लेटरल वन थर्ड जो होगा वो कनकेव होगा फॉरवर्ड सो so, इसको पकड़ेंगे तो हम लोग ऐसे ही क्योंकि ये मीडियल टू थर्ड है जो कि कन्वेक्स है फॉरवर्ड और लेटरल वन थर्ड जो है वो कनकेव है फॉरवर्ड इसको हम लोग ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि अगर ऐसे पकड़ेंगे तो जो मीडियल टू थर्ड हो जाएगा वो कनकेव हो जाएगा फॉरवर्ड हमें चाहिए मीडियल टू थर्ड कन्वेक्स फॉरवर्ड एंड लेटरल वन थर्ड कनकेव फॉरवर्ड इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो ग्रुप फॉर सबक्वियर्स और और कोनोइड ट्यूबेरिकल तो हम लोग लेटरल वन थर्ड में एक ट्यूबेरिकल ढूंढने का कोशिश करेंगे ये है एक ट्यूबेरिकल इस ट्यूबेरिकल को हम लोग कहते हैं कोनोइड ट्यूबेरिकल और इसके जस्ट मीडियली यहाँ पे प्रेजेंट होता है ग्रुप फॉर सबक्वियस तो ये जो कोनोइड ट्यूबेरिकल और ग्लू ग्रूफ फॉर सबक्वियस होगा ये प्रेजेंट होना चाहिए इन्फीरियरली सो so, इसका एनाटॉमिकल पोजीशन ये इन्फीरियरली प्रेजेंट होना चाहिए दिस इज़ द राउंडेड और मीडियल एंड जो कि मीडियली होना चाहिए और ये लेटरल एंड होगा जो कि लेटरली होना चाहिए शाफ्ट में ये कन्वेक्स होना चाहिए मीडियल टू थर्ड और लेटरल वन थर्ड कनकेव होना चाहिए सो so, इससे हम को पता चलता है कि ये लेफ्ट क्लेवाइकल हमारा है दिस इज़ अ लेफ्ट क्लेवाइकल बोन जब हमें इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में इसको हम लोग ऐसे पकड़ते हैं तो हमारा जो एक्सटर्नल एंड या फिर जो मीडियल एंड होना चाहिए वो मीडियली तो होना ही चाहिए साथ ही साथ थोड़ा फॉरवर्ड और डाउनवर्ड होना चाहिए तो एक्रोमियल एंड जो होगा वो खुद ब खुद लेटरली तो रहेगा ही साथ ही साथ अपवर्ड्स और बैकवर्ड्स हो जाएगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में हम लोग नहीं पकड़ करके इसके मीडियल एंड को थोड़ा मीडियल रखते हुए फॉरवर्ड और डाउनवर्ड करते हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा लेटरल के साथ साथ अपवर्ड्स और बैकवर्ड्स हो जाता है और लेफ्ट क्लेवाइकल का है तो हम लोग इसको लेफ्ट क्लेवाइकल अपने लेफ्ट क्लेवाइकल बोन के जस्ट सामने ऐसे पकड़ते हैं सो दिस वॉज द एनाटेमिकल पोजिशन एंड साइड डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लेवाइकल अब हम लोग इस क्लेवाइकल बोन की कुछ पिक्यूलैरिटीज को डिस्कस करेंगे क्लेवाइकल बोन के अंदर जैसा हमने पहले कहा कि टोटल इसके दो एंड होते हैं एक मीडियल एंड होता है और एक लेटरल एंड होता है तो ये जो लेटरल एंड होता है जिसको हम लोग एक्रोमियल एंड भी कहते हैं ये फ्लैट एंड होता है सुपीरो इन्फीरियरली सुपीरो इन्फीरियरली ये फ्लैट एंड होगा और एक फैसेट बियर करता है इट बियर्स अ फैसेट एक फैसेट बियर करता है ये ये फैसेट जो होता है वो अर्टिकुलेट करता है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला से और अर्टिकुलेट करके बनाता है एक्रोमियो क्लेवाइकुलर जॉइंट सो देर इज अ फैसेट इन द एोमियल एंड दैट अर्टिकुलेट्स विद द क्लेबैकुलर फैसेट ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला टू फॉर्म द एक्रोमियो क्लेबैकुलर ज्वाइंट स्टर्नल एंड या फिर मीडियल एंड की अगर हम लोग बात करें जो कि क्वाड्रैंगुलर था या फिर राउंडेड था यह अर्टिकुलेट करता है क्लेबैकुलर नॉच ऑफ द मेनुब्रियम स्टर्नाई के साथ क्लेबैकुलर नॉच ऑफ द मेनुब्रियम स्टर्नाई के साथ ये अर्टिकुलेट करके बनाता है स्टर्नो क्लेवाकुलर ज्वाइंट यहाँ पर भी एक फैसेट प्रेजेंट होता है अर्टिकुलर फैसेट ये जो अर्टिकुलर फेसेट होगा ये कवर्ड होगा अर्टिकुलर कार्टिलेज से इन द फॉर्म ऑफ अर्टिकुलर डिस्क इसके बाद हम लोग इसके शाफ्ट के बारे में बात करें तो शाफ्ट में हम लोग कहते हैं कि जो इसका लेटरल वन थर्ड होता है इसका लेटरल कनकेव होगा इंटीरियरली ये तो हम लोग जानते ही हैं अगर इसके और फ्लैटेंड होगा सुपेरो इन्फीरियरली इट इज कनकेव एंटीरियरली एंड फ्लैटेंड एंड इन्फीरियरली लेटरल वन थर्ड के दो बॉर्डर और दो सरफेस हो जाएंगे आगे में एक एंटीरियर बॉर्डर होगा और पीछे में एक पोस्टीरियर बॉर्डर होगा जो दो सरफेसेस हो जाएंगे सुपीरियर सरफेस ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा ये रहा इन्फीरियर सरफेस जब हम लोग सुपीरियर सरफेस जो होता है वो सब क्यूटेनियस होता है लेटरल वन थर्ड का और इन्फीरियर सरफेस में हम लोगों को यहाँ पे एक ट्यूबेकल दिखाई दिया था जिसको हमने कहा था कोनोइड ट्यूबेरिकल जो कि जंक्शन ऑफ द मीडियल टू थर्ड और लेटरल वन थर्ड मीडियल टू थर्ड और लेटरल वन थर्ड के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है ये कोनोइड ट्यूबेरकल कोनोइड ट्यूबेकल से फॉरवर्ड एंड लेटरली फॉरवर्ड एंड लेटरली रिज प्रेजेंट होता है इस रिज को हम लोग कहते हैं ट्रेपेजोड रिज सो दिसन थर्ड अगर हम लोग मीडियल टू थर्ड जो होता है वो स्लाइटली राउंडेड होता है जिस वजह से इसके चार सरफेस होते हैं आगे की तरफ प्रेजेंट होता है एंटीरियर सर्फेस दिस इज द एंटीरियर सर्फेस पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर सर्फेस दिस इज द पोस्टीरियर सर्फेस ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है सुपीरियर सरफेस एंड नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है इन्फीरियर सरफेस सो इसके टोटल चार सर्फेस होते हैं एंटीरियर होता है पोस्टीरियर होता है सुपीरियर होता, होता है और इन्फीरियर सरफेस होता है इन्फीरियर सरफेस के अंदर फिर से यहाँ पे हम लोगों को कुछ देखने को मिलता है लाइक like, अगर हम लोग बात करें मीडियली तो मीडियली हम लोग को ये एक इंप्रेशन देखने को मिल रहा है जिसको हम लोग कहते हैं इम्प्रेशन फॉर कॉस्टोक्लेवाकुलर लिगामेंट सो इट इज़ द इम्प्रेशन फॉर द कॉस्टोक्वाइकुलर लिगामेंट और लेटरल में हम लोगों को लॉन्गिट्यूडनल सब क्लीवियन ग्रूव देखने को मिलता है सो दिस वॉज दिस वाज द पिक्युलरिटीज़ ऑफ़ द मीडियल टू थर्ड तो हमने टोटल पिक्युलरिटीज़ डिस्कस कर लीं इस बोन के एंड्स के और हम लोग शाफ्ट की पिक्युलरिटीज़ uh, भी हमने डिस्कस की अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लेवाइकल बोन पे अटैचमेंट्स के बारे में अब हम लोग अटैचमेंट्स देखते हैं इस बोन पे तो अगर हम लोग एक्रोमियल एंड की बात करें तो हमने कहा था कि एक्रोमियल एंड पे एक फैसेट प्रेजेंट होता है जिसको हमने कहा था एक्रोमियल फैसेट ये जो एक्रोमियल फैसेट होता है जो कि अर्टिकुलर फैसेट है जो कि जाकर के एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला से जाकर के अर्टिकुलेट करता है इस अर्टिकुल इस अर्टिकुलर फैसेट के मार्जिनस पे अटैचमेंट होता है कैप्सुलर लिगामेंट का तो इसके मार्जिनस पे प्रेजेंट होगा कैप्सुलर लिगामेंट का अटैचमेंट तो ये हो गया एक्रोमियल एंड पे अटैचमेंट स्टर्नल एंड पे अगर हम लोग अटैचमेंट की बात करें तो स्टर्नल एंड पे जो अर्टिकुलर फेसेट होगा इस अर्टिकुलर फेसेट के ऊपर हम जानते हैं कि प्रेजेंट होता है अर्टिकुलर कार्टिलेज इन द फॉर्म ऑफ अर्टिकुलर डिस्क ये अर्टिकुलर कार्टिलेज इन द फॉर्म ऑफ अर्टिकुलर डिस्क इस स्टर्नो क्लेवैकुलर जॉइट ये यहाँ पे स्टर्नो क्लेवैकुलर ज्वाइंट बनेगा मीडियल एंड पे तो स्टर्नो क्लेवैकुलर ज्वाइंट को दो कैविटीज में ये डिवाइड कर देता है अर्टिकुलर फैसेट के ऊपर अर्टिकुलर फैसेट अर्टिकुलर फैसेट के अबव अटैचमेंट होता है इंटर क्लेबैकुलर लिगामेंट का जो कि दो क्लेवाइकल राइट एंड लेफ्ट क्लेवाइकल को कनेक्ट करने का काम करता है तो उसका अटैचमेंट होता है इंटर क्लेबैकुलर लिगामेंट का अटैचमेंट होता है और ये जो अर्टिकुलर कार्टिलेज या फिर अर्टिकुलर डिस्क था इसके अपर एंड का अटैचमेंट होता है सो अर्टिकुलर फेसेट पे तो अर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट था अर्टिकुलर फेसेट के ऊपर हमने दो अटैचमेंट पढ़ा एक अटैचमेंट ऑफ द इंटर क्लेबैकुलर लिगामेंट और एक अपर एंड ऑफ द अर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट होता है नाउ ये जो आर्टिकुलर फेसेट होता है ये इन्फीरियरली एक्सटेंड करता है इन्फीरियरली एक्सटेंड करके ये आर्टिकुलेट करता है फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज के साथ तो ये फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज के साथ ये आ, वो करेगा अटैच करेगा इस पर अगर हम लोग बात करें ये हो गया अटैचमेंट्स ऑफ द मीडियल एंड अब हम लोग बात करते हैं अटैचमेंट ऑफ द लेटल वन थर्ड अटैचमेंट ऑफ द लेटल वन थर्ड में हम लोग बात करते हैं कि जो एंटीरियर बॉर्डर होता है यहाँ एंटीरियर बॉर्डर पे एंटीरियर बॉर्डर एंड एडजेशन पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफ़ेस ये जो एडजेशन पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफ़ेस और ये जो एंटीरियर बॉर्डर होगा यहाँ पे ओरिजिन होता है एंटीरियर फाइबर्स ऑफ द डेल्टोइड मसल्स का पोस्टीरियर बॉर्डर और एडजेशन पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफ़ेस पोस्टीरियर बॉर्डर एंड एडजशन पार्ट ऑफ द सुपीरियर सर्फेस पे इंसरशन होता है ट्रेपेजियस मसल का और जो इंफीरियर सरफेस है इन्फीरियर सरफेस में कोनोइड पार्ट में और ट्रेपोजोइड रिज में तो इस कोनोइड ट्यूबेकल और ट्रेपोजोइड रिज में कोनोइड पार्ट एंड द ट्रेपेजोइड पार्ट ऑफ द कोरोको क्लेवाक्यूलर लिगामेंट का अटैचमेंट होता है सो टोटल तीन अटैचमेंट्स हम लोग बात करते हैं लिटल वन थर्ड में एंटीरियर बॉर्डर एंड एडजस्टन पार्ट ऑफ द सुपीरियर सर्फेस में हम लोग ओरिजिन देखते हैं एंटीरियर फाइबर्स ऑफ द डेल्टॉइड मसल का पोस्टीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर और एडजेशन पार्ट ऑफ द सुपीरियर सर्फेस में हम लोग इंसर्शन देखते हैं ट्रेपेजियस मसल का और जो इन्फीरियर सरफेस है इन्फीरियर सरफेस में जो कोनोइड ट्यूबेरिकल है और जो तुम्हारा और जो ट्रेपोजोइड रिज है यहाँ पे कोनोइड पार्ट एंड द ट्रेपोजोइड पार्ट ऑफ द कोरेको क्लेबैकुलर लिगामेंट का अटैचमेंट होता है फिर हम लोग मीडियल टू थर्ड अटैचमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो मीडियल टू थर्ड में जो एंटीरियर सरफेस होता है उसके मीडियल हाफ में एंटीरियर सरफेस के मीडियल हाफ में ओरिजिन होता है पेक्टोरलिस मेजर मसल का जो पोस्टीरियर सरफेस होता है यहाँ पे इसमें भी मोस्ट मीडियली ओरिजिन होता है स्टर्नोक्डोमेस्ट्रोड मसल का जो सुपीरियर सरफेस होता है इसमें भी जो मीडियल हाफ होता है सुपीरियर सरफेस का मीडियल हाफ में ओरिजिन होता है क्लेबैकुलर हेड ऑफ द स्टर्नोक्डोमेस्ट्रोइ मसल का और जो इन्फीरियर सरफेस होता है इन्फीरियर सरफेस में मीडियली यहाँ पे जहां पे इंप्रेशन ऑफ द कॉस्टोक्लेबैकुलर लिगामेंट प्रेजेंट है यहाँ पे अटैचमेंट होता है कॉस्टोक्वैक्युलर लिगामेंट का लेटरली प्रेजेंट होता है ग्रूव ऑफ द सबक्वियस इस ग्रूव ऑफ द सबक्वियस में इंसर्शन होता है सबक्लेवियस मसल का और जो इस ग्रूव का मार्जिनस होता है जो इस ग्रूव का मार्जिनस होता है यहाँ पे अटैचमेंट होता है क्लेबे क्लेविपेक्टोरल फेशिया का सो so ये सारे के सारे अटैचमेंट्स हमने पढ़े एक्रोमियल एंड के एक्सटर्नल uh, एंड के लेटरल वन थर्ड के और मीडियल टू थर्ड के इसके बाद हम लोग को इसके अंदर एक फॉरमेन देखने को मिलता है यहाँ पे जिसको हम लोग न्यूट्रेंट फॉराम कहते हैं जो भी लेटरल एंड ऑफ द ग्रुप फॉर द सबक्वियस होगा वहाँ पर प्रेजेंट होता है एक फॉरमेन जिसको हम लोग लेटर न्यूट्रेंट फोराम कहते हैं क्योंकि न्यूट्रेन फोरामेन का इसमें डायरेक्शन हम लोग को लेटरली दिख रहा है इसका मतलब कि जो ग्रोइंग एंड होगा इस बोन का वो मीडियल एंड होगा मीन्स मीडियल एंड इज द ग्रोइंग एंड अगर न्यूट्रेन फोराम का जो डायरेक्शन होता है ग्रोइंग एंड का डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट होता है सो so, क्योंकि न्यूट्रेन फोराम का डायरेक्शन यहाँ पे लेटरली है जिस वजह से ग्रोइंग एंड जो है वो मीडियल एंड है न्यूट्रेन फोराम को जो सप्लाई करता है न्यूट्रेट आर्टरी तो क्लेवेकल का जो न्यूट्रेंट आर्टरी होता है वो एक ब्रांच होता है सुप्रेस्पुलर आर्टरी का So, ये टोटल हमने अटैचमेंट्स की बात की और न्यूट्रन फोरमेन की बात की अब हम लोग बात करेंगे अप्लाइड ऑफ द क्लेवाइकल की टोटल दो अप्लाइड हम लोग देखेंगे सबसे पहला फ्रैक्चर ऑफ द क्लेवाइकल क्लेवाइकल का जो फ्रैक्चर होता है उसका जो मोस्ट वनरेबल पार्ट होता है वो जंक्शन होता है मीडियल टू थर्ड और लेटर वन थर्ड ये जो मीडियल टू थर्ड ये जो मीडियल टू थर्ड और लेटर वन थर्ड का ये जो जंक्शन है ना ये जंक्शन जो होता है वो मोस्ट वनरेबल पार्ट होता है क्लेवाइकल का फॉर फ्रैक्चर यह होता है इसका सबसे पहला अप्लाइड सेकेंड इसका अप्लाइड होता है वो होता है क्रेनियो क्लीडियो डायोस्टोसिस क्रेनियो क्लीडियो डायोस्टोसिस का मतलब होता है कंजेनाइटल एबसेंस ऑफ वन और बोथ सो द क्लिनियो क्लीडो डाइस्टेस इज द सेकंड एप्लाइड ऑफ द क्लेवाइकल तो टोटल दो अप्लाइड होते हैं क्लेवाइकल के जो हमने डिस्कस किए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्लेवाइकल